आप सबका स्वागत है हमारे 22955 कच्छ एक्सप्रेस सुपरफास्ट के पार्ट टू में। ये हम खेल रहे कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पार्ट टू। तो चलिए आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं और ये कोई स्टेशन को भी स्किप कर रहे हैं। ये है वासत जंक्शन जो हम स्किप कर रहे हैं और सामने WG5 के साथ कोई ट्रेन खड़ी है, देखते हैं। यहाँ पे ऐसे इसे खड़ा कर दिया गया है और बाजू में कॉन्कोर को हम ओवरटेक कर रहे हैं। तो 70% मैंने टोटल ओपन कर दिया गया है और वासा स्टेशन को हम स्किप मार रहे हैं। तो देखते हैं ये जो हम ओवरटेक कर रहे हैं ये किस लोकोमोटिव के साथ ट्रेन है, जो ये कॉन्कोर खड़ी है लाल वाली, लाल कंटेनर्स वाली। तो देखते हैं, ये है टुकलाबाज सिड़का WG5 जो जिसको हमने ओवरटेक किया कॉन्कोर के साथ था। तो चलते हैं अब अपने पैसेंजर व्यू में। तो हम आ गए पैसेंजर व्यू में हमारे। तो अब आगे की जर्नी स्टार्ट कर कंटिन्यू करते हैं और आनंद जंक्शन है यहाँ से 26.5 किलोमीटर लेफ्ट और पहुँचने का टाइम तो हो ही चुका है, पर अब हमें हमारी ट्रेन को एक्सेलेट करना पड़ेगा और ज़्यादा। तो अब हम हमारी ICF ट्रेन को 120 तक ले जाते हैं, क्योंकि बहुत ही हम लेट हो जाएंगे तो जर्नी का मज़ा नहीं आएगा। और ये थोड़ा हम पैसेंजर व्यू में अंदर हो लेते हैं, कहीं सामने से ट्रेन भी ना जाएगी तो हमें लेके ही ना चली जाए। तो चलते हैं अब आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ी स्पीड में अब हम जर्नी करेंगे, क्योंकि क्या है कि हम लेट हो चुके हैं। तो अब हम जर्नी करेंगे हमारी फटाफट वाली, क्योंकि अब हम ICF ट्रेन को 110 के ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि लेट हो गए हैं। इसलिए अब हमें इसको क्या है टाइम कवर करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो ये हमारा वेव 4, जैसा कि आप देख पा रहे हो, चीता वर्ल्ड ऑफ द सेड़ का WP4 ही, बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव चीता। तो बहुत ही बढ़िया से ये हमारी लंबी, इतनी लंबी ट्रेन को खींच रहा है बहुत ही आसानी से। तो आई होप हम 2:50 तक पहुंच जाए। और मैंने पार्ट वन में एक चीज़ बताना भूल गया कि आज हमारी ट्रेन ये 2 घंटा लेट चल रही है, 2 घंटे हमारी ट्रेन अभी लेट है। तो एक्चुअली इसका टाइम तो है वड़ोदरा से तकरीबन 12 बजे के आजू बाजू निकलने का, तो अभी हमारी ट्रेन 2 घंटे के करीब लेट चल रही है। तो अब 120 की स्पीड लिमिट फॉलो करेंगे क्योंकि बहुत ही लेट हो गए हैं, इसलिए हमें अब 120 की स्पीड लिमिट फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेट हुए तो हमारा ट्रैफिक जा सकता है सब, यानी कि हमें हमारा ट्रैफिक खोना पड़ सकता है अगर हम लेट हुए तो। तो हम जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतनी जल्दी आनंद जंक्शन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। आई थिंक हम 2:50 तक तो पहुंचने की कोशिश करेंगे ही, जो भी हो जाए, क्योंकि ये जो रूट में जो वड़ोदरा से आनंद का जो डिस्टेंस दिया हुआ था वो काफ़ी डबल था आई थिंक जो रियल में है। रियल में तो लगभग आई थिंक 40 के आसपास हार्डली है और हमारे रूट में 70 दिया गया हुआ था। और अडास रोड स्टेशन को हम स्किप मारेंगे, अडास रोड स्किप मारेंगे और देखेंगे कि क्या है हमारे होम सिग्नल। तो रेड है हमारा होम सिग्नल, तो अब देखेंगे। अडास रोड हमने तो क्रॉस कर लिया बहुत ही बढ़िया स्पीड में, यहाँ से देखते हैं। ये अडास रोड को हमारी बांद्रा भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप मार रही है। तो हम 120 चला रहे हैं हमारी ट्रेन को, भले ही ICF है तो हमारी गेम में तो चलता है, पर रियल में ICF ट्रेन 110 से ऊपर नहीं करती, चाहे जितनी भी देर हो जाए उसकी मैक्स परमिशेबल स्पीड 110 रहती है, पर उसको कोई चिंता नहीं रहती कि ट्रैफिक की। तो हमें तो चिंता है गेम में हमारे ट्रैफिक की,
तो अब हम क्या है कि थोड़ी भगाएंगे अपनी ट्रेन को 120 तक, क्योंकि हमारी एक्ट मेकर ने भी हमें छुट्टी दी हुई है कि आपको जो ट्रैक मॉनिटर पे स्पीड दिखा रही है आपको वो फॉलो करनी है। पर हमने पहले 110 फॉलो की थी, तो अगर हमने शुरू से ही वो कर दी होती स्पीड को फॉलो जो वड़ोदरा से 120, तो हम 2:40 तक तो हम आनंद जंक्शन पहुंच ही जाते। तो अब तो चलेंगे ही अपनी, ये वेव 4 के साथ आगे हमारा लोको चेंज भी होगा अहमदाबाद जंक्शन पे, और उसके बाद हमारा नडियाद पे स्टॉपेज होगा जहां हमें 2:49 पर पहुंचना है। तो अच्छी खासी स्पीड अब हम मेंटेन कर रहे हैं, तो मेंटेन तो करनी ही पड़ेगी हमें अच्छी खासी स्पीड अगर हमें आनंद जंक्शन पे ऑन टाइम पहुंचना है। तो ऑन टाइम तो क्या, हम निकल ही चुका है आनंद जंक्शन, 10 तो ऑलरेडी ऊपर हो चुके हैं हमारे अराइवल टाइम से। तो आनंद जंक्शन पे जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, बाद में देखते हैं। ओपोजिट लाइन के सिग्नल तो सब रेड है, तो अब हमें फटाफट से हमारी जर्नी को कवर करते हुए टाइम को भी कवर करना है, इसलिए अब हम थोड़ी ओवर स्पीड करके ही चलेंगे। 110 से ऊपर तो दौड़ा ही दी है हमने हमारी ट्रेन को, तो ऑल लेट नहीं होना। बाकी तो ट्रैफिक तो बहुत सारा चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बहुत ही सारा ट्रैफिक चल रहा है जो मैंने ट्रेन लिस्ट खोली थी उसमें। तो 118.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी ये WP4 ने मेंटेन कर रखी है, तो बहुत ही बढ़िया बात है कि इतनी बढ़िया स्पीड मेंटेन कर रखी है हमारी ये WP4 ने, और बहुत ही काबिल लोकोमोटिव इंडियन रेलवे का ये WP4। आप जो हर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन देखेंगे तो हर आपको 4 में से 3 ट्रेन में WP4 लगा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये लोकोमोटिव इतना बढ़िया है। और अभी तो इसका प्रोडक्शन हमारे इंडियन रेलवे ने बंद कर दिया है, और अब हमारे इंडियन रेलवेज क्या है कि ज़्यादातर अपना ध्यान वेव 7 और वेव 5 में ही लगा रही है, और सिग्नल हो चुका है ग्रीन। तो देखते हैं कौन सी ट्रेन हमें अप्रोच करने वाली है। तो प्रायोरिटी तो हमें बहुत ही बढ़िया मिल रही है, और थोड़ा सा हल्की सी गेम लैग हुई तो जो ट्रैफिक ट्रेन होगी वो हमें क्रॉस करने वाली होगी, और कोई स्टेशन को भी हम स्किप मार रहे हैं। देखते हैं हमको FPS 60 के अबो ही मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेएबल FPS है इतनी ज़्यादा सीनरी में। अगर आपको 60 के ऊपर FPS मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये MSTS में। तो ये हम आ गए, और सामने से कोई ट्रेन भी आ गई, देखते हैं कौन सी ट्रेन है जो हमें क्रॉस करती है। ये है WAG9 के साथ BTPN फ्राइट ट्रेन, WAG9 लाल कलर का फ्राइट ट्रेन, तुगलाबाद शेड का आई थिंक मुझे लग रहा था ये WAG9 फ्राइट ट्रेन BTPN हमें क्रॉस कर रही है। तो ये वड़ोदरा स्टेशन की तरफ जा रही होगी अपने को रिफिल करवाने। काफ़ी लंबी ट्रेन है ये BTPN, और वड़ोदरा में काफ़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है, तो आई थिंक ये वहाँ ही रिफ़िल करवाने जा रही होगी अपनी ये रेक को। तो काफ़ी रिफाइनरी वहाँ वड़ोदरा पे मौजूद है, और ये वड़ोदरा स्टेशन को हम स्किप मार रहे हैं, और देखते हैं कोई ट्रेन नहीं है बाजू में अभी तो, और लूप लाइन पर भी नहीं है कोई ट्रेन। तो चलो अब वड़ोदरा के बाद सीधा आएगा हमारा आनंद जंक्शन, तो आई थिंक हम 50 तक तो पहुंच ही जाएंगे, यानी कि कोशिश करेंगे 50 तक पहुंचने की। तो भी हम 18 या 20 मिनट तो लेट हो ही जाएंगे आनंद जंक्शन पहुंचते पहुंचते। और अभी तो 2:47 हो चुके हैं,
2:47 हो चुकी है अभी तो 3 मिनट ही अभी बाकी है, तो 52 तक हम पहुंच ही जाएंगे आनंद जंक्शन पे। बाकी दो स्पीड तो हमने अच्छी खासी मेंटेन कर रखी है और धमाकेदार वाली एंट्री होगी आनंद जंक्शन पे हमारी। तो उसके बाद आनंद के बाद नडियाद पे हमारा 1 मिनट का स्टॉपेज रहेगा क्योंकि लेट है ट्रेन, तो हम उठा ही लेंगे जितना भी स्टॉपेज मिलेगा, ज़्यादा देर हम खड़ी नहीं रखेंगे अपनी ट्रेन को, एक्सीलेट कर ही देंगे। पीछे चलते हैं, ये है हमारा जनरल क्लास, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये जनरल क्लास पे बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ ये जनरल क्लास। अब पीछे चलते हैं, ये भी जनरल क्लास है और ये हम आ गए हमारे सेकंड एसी कोच में, ये भी सेकंड एसी कोच, ये थर्ड एसी कोच, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये थर्ड एसी कोच। तो चलो इसके पैसेंजर व्यू में चलते हैं और देखते हैं बाहर का नज़ारा, थोड़ा ऊपर हो लेते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया हमने कैमरा एंगल सेट कर दिया हमारी ट्रेन के डोर व्यू पे। तो अब थोड़ी हमारी जर्नी करते हैं एसी कोचेस में, हम एसी कोचेस में आ गए हैं, तो थोड़ी जर्नी हम अब एसी कोचेस में करेंगे और आगे 90 के स्पीड लिमिट आनंद जंक्शन के आउटर पे, तो चलेंगे ही हम अपनी बढ़िया वाली स्पीड में, धमाकेदार वाली एंट्री करेंगे आनंद जंक्शन पे। स्पीड तो 120 की लिमिट हमें दी गई है, पर हमने 120 तक कुछ तो 120 तो को छू लिया था, पर हमने 110 के ऊपर इसलिए गए कि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे और हमें लेट नहीं होना है इतना ज़्यादा, और आगे हम आनंद जंक्शन पे प्लेटफॉर्म पे हमें अब दिखाई दे रहा है ट्रैक मॉनिटर में, और सीधे ही हमें आनंद जंक्शन पे एंटर कर देना है, कहीं आउटर पे सिग्नल के लिए वेट नहीं करना है, तो सीधे ही हम एंटर कर देंगे आनंद जंक्शन पे। तो अभी भी 4 किलोमीटर लेफ्ट आनंद जंक्शन, तो ये वेव 4 बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव चीता, ये इसका कैब व्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हो कितना बढ़िया कैब व्यू ये WP4 का। तो चलो थ्रॉटल को अब थोड़ा खोल देते हैं, मैंने जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं जैसे थ्रॉटल खोल रहा हूँ वैसे वैसे ये भी जो हैंडल है वो भी मूव हो रहे हैं, तो ये 3D कैब व्यू है इसलिए आपको ये सब इसमें देखने को मिल सकता है। तो चलो अब अपने थ्रॉटल को पूरा रिलीज ही कर देते हैं और एंटर करते हैं आनंद जंक्शन पे। तो 90 की स्पीड लिमिट हमें आगे दी गई है, तो 90 की स्पीड लिमिट अब हम फॉलो करेंगे आनंद जंक्शन पे, और अपोजिट लाइन का सिग्नल अभी भी रेड, तो 2.1 किलोमीटर, तो थोड़ी ब्रेक्स लगाती और हमें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि हमारे लोकोमोटिव की ब्रेकिंग पावर कैसी है। बहुत ही बढ़िया है ब्रेकिंग पावर तो अच्छी ही है हमारी लोकोमोटिव की। तो चलो ये क्वाड बार ब्रेक्स लगा देते हैं। तो चलो अब हम 90 की स्पीड लिमिट के अंदर आ गए हैं और आनंद जंक्शन पे धमाकेदार वाली एंट्री करेंगे अपनी दादर बांद्रा भुज टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस को लेके। तो ये कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस आनंद जंक्शन पे एंटर कर ही दी, अराउंड 83 की हमारी स्पीड है और सामने से कोई ट्रेन भी आ गई, तो देखते हैं कौन सी ट्रेन है। ये है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल गुजरात मेल एक्सप्रेस, तो आई थिंक ये भी बहुत ही लेट चल रही है। एक्चुअली इसका जो आनंद जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है वो तकरीबन रात के 11:30 बजे ही आनंद जंक्शन पे पहुंचती है, तो सभी ट्रेन लेट ही चल रही है। और ये गुजरात मेल है वड़ोदरा सेड के WP5 के साथ,
ये गुजरात मेल एक्सप्रेस रेगुलर लिंक है, वेव 4 वडोदरा सिड़का और वेव 7 और वेव 5 खींचते हैं ये ट्रेन को। और ये ट्रेन की एक चीज़ ये है बताने वाली कि सबसे ज़्यादा जो एसी कोचिस होते हैं उसको लेके चलती है, और बाजू में से लूप लाइन में से निकल गई जो सौराष्ट्र मेल एक्सप्रेस थी, तो इसे लूप लाइन पे डाला गया था पर ये निकल गई। आई थिंक इसका जाने का टाइम हो गया होगा यहाँ से, तो हर बार आई थिंक ये हमारा रास्ता रुकेगी। तो पीछे देखते हैं, हमारी पूरी ट्रेन तो आ ही चुकी है स्टेशन पे, आनंद स्टेशन पे, तो अब ब्रेक्स लगा देते हैं। तो गेम को सेव कर लेते हो। आनंद जंक्शन पे हमें 3 मिनट का स्टॉपेज मिला है, पर देखते हैं हम ये गुजरात मेल को भी सिग्नल मिल गया है पर ये जा नहीं रही है, तो हम जैसे ही हम सिग्नल हमें मिल जाएगा तो हम निकल देंगे। तो अभी भी ये गुजरात मेल एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई और हम आनंद जंक्शन पे यहाँ पे हॉल्ट ले रहे हैं। 3 मिनट का हमें यहाँ पे हॉल्ट मिला है और ये गुजरात मेल 12902 अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल गुजरात मेल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है आनंद जंक्शन के। तो ये भी अपना शेड्यूल्ड हॉल्ट ले रही है और काफ़ी लेट भी चल रही है ये गुजरात मेल एक्सप्रेस। तो यूजुअली आनंद जंक्शन पे 11:30 पर रात को पहुंचती है या 11:20 के आजू बाजू ही पहुंचती है, मुझे एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, पर 11:15 से लेकर 11:20 या 30 के आजू बाजू ही पहुंचती है। तो चलो ये भी निकल दी गुजरात मेल एक्सप्रेस अपना शेड्यूल्ड हॉल्ट लेके आनंद स्टेशन से। तो सबसे ज़्यादा जो कोचिस रहते हैं एसी कोचिस बहुत ही ज़्यादा ये गुजरात मेल में रहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे अगर एक्मेकर ने सही से कॉन्सेप्ट रियल बनाए होंगे तो बहुत ही सारे इसमें एसी कोचिस रहते हैं गुजरात मेल में, बहुत ही सारे, जैसे कि आपने देखा कि 12-13 एसी कोचिस रहते हैं पूरी ट्रेन में गुजरात मेल एक्सप्रेस में। तो चलो आगे चलते हैं, सिग्नल मिल चुका है हमें, तो अब हम निकलेंगे नडियाद जंक्शन की तरफ। तो फटाफट से अब हम जाएंगे नडियाद जंक्शन की ओर, तो एक्सलेट करते हैं अब हमारी कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस को। तो नडियाद यहां से 31.6 किलोमीटर लेफ्ट, वाव बहुत ही बढ़िया, इतना डिस्टेंस नहीं है, हार्डली 18 किलोमीटर है या 20 किलोमीटर है। तो फिर से हमें हमारी ट्रेन को एक्सेलेरेट करना पड़ेगा नहीं तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये कोई वैक फाइव के साथ कोई ट्रेन आ रही है, देखते हैं कौन सी है। ये बॉक्सन एचल ट्रेन विथ WAG5। तो चलो अब अपनी ट्रेन को एक्सेलेरेट करवाते हैं फटाफट से, बॉक्सन एचल नहीं है कॉनकॉर है, WAG5 के साथ ये कॉनकॉर ट्रेन आनंद से स्किप मारती हुई गुजरात मेल के पीछे वो चलती हुई। आई थिंक गुजरात मेल ने इसे ओवरटेक करके आनंद जंक्शन पे पहले पहुंच गया होगा, आगे कोई स्टेशन पे आई थिंक कंजीबोरिया पे ओवरटेक किया होगा इसका, ये कॉनकॉर का ये WAG5 के साथ कॉनकॉर ट्रेन। तो चलो 88% मैंने थ्रॉटल ओपन कर दिया, तो अब एक्सलेट होगा हमारा तगड़ा वाला WAP4 कैसे एक्सलेट करता है अब देखते हैं कि हमारा WAP4 ऐसे तो बहुत ही बढ़िया वाला एक्सलेट करता है ये WAP4। आगे चलते हैं और आगे, और हम आ गए अपने SLR कोच में, अब हम जर्नी करेंगे अपने SLR कोच इसमें।
और सिग्नल्स तो हमें मिल ही रखे हैं, ग्रीन के ग्रीन सब के सब। तो फिर से हमें 120 वाली जर्नी करनी पड़ेगी अगर हमें टाइम पे पहुंचना है तो नडियाद जंक्शन पे 3:10 तक हमें पहुंच ही जाना पड़ेगा नडियाद जंक्शन पे। तो ये रूट में कुछ ऐसा है कि डिस्टेंस डबल हो गया है, थोड़ा सा डबल से थोड़ा कम हो गया है। आई होप वो रूट मेकर इसको सही कर दे और नेक्स्ट अपडेट में अपडेट दे दे रूट का। तो 0.03% हमारी ट्रेन क्लाइंब कर रही है और सिग्नल स्टेटस से अप्रोच, तो देखते हैं अब कौन सी ट्रेन हमें अप्रोच करती है। अप्रोच सिग्नल पे सिग्नल येलो हो रखा था, तो देखते हैं अब कौन सी ट्रेन हमें अप्रोच करेगी और तगड़ी वाली क्रॉसिंग देगी। तो चलो थ्रॉटल को 100% में खोल देता हूँ और एक्सीलरेट तो करेगा ही हमारे ये WFE4। और 80 के ऊपर हमें FPS मिल रहे हैं अभी, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी सीनरी कम हुई है तो हमारे FPS बढ़ेंगे। अब देखने ये होगा कि सामने से कौन सी ट्रेन हमें अप्रोच करती है। और ये आ गया ऑपोजिट लाइन का सिग्नल, देखते हैं क्या है। रेड हो गया, पता नहीं क्यों, मैंने पहले जब देखा था वो अप्रोच सिग्नल था, तो ये नेक्स्ट सिग्नल उसके बाद आया तो वो हो गया है रेड। तो अभी तो कोई चांस नहीं होगा हमें कोई क्रॉसिंग का, क्योंकि बैक टू बैक गुजरात मेल और कॉन्कॉर हमसे क्रॉस हुई। तो 120 वाली जर्नी करेंगे थोड़ी। तो ये मैंने थोड़ा सा सेंडर चालू किया क्योंकि एक्सीलरेशन भी हमें लेना है। अब देखते हैं, ये सिग्नल भी रेड है। तो 27.3 किलोमीटर लेफ्ट यहाँ से नडियाद जंक्शन। तो फटाफट से हमें लंबे लंबे पार्ट बनाऊंगा मैं ये एक्टिविटी के, ताकि आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ आपको डेली 2 वीडियो देने की, पर कई बार नहीं हो पाता 2 वीडियो देना पॉसिबल। तो ये वीडियो मैंने गेमर बॉय केवल की रिक्वेस्ट पे बनाई है ये वीडियो। उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे भुज सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो चाहिए, कच्छ सुपरफास्ट एक्सप्रेस की सॉरी वीडियो चाहिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप गेमर बॉय केवल आपको ये वीडियो पसंद आए। और 120 तक अब हम हमारी ट्रेन को रखेंगे और 75% मैंने टोटल रख दिया। तो बहुत ही बढ़िया, ये आसमान में अभी तो तारे चमचमा रहे हैं। आई थिंक हम अहमदाबाद से निकलेंगे तब थोड़ा थोड़ा उजाला होना चालू होगा अहमदाबाद जंक्शन से निकलने के बाद। आई थिंक हम विरमगाम पहुंचेंगे तब तक उजाला हो जाएगा। तो हमें विरमगाम पहुंचना है 4:59 पर, तो नहीं होगा तब तक। तो धागद्रा पहुंचेंगे तब हमें, जब हमारी ट्रेन धागद्रा पहुंचेगी तब थोड़ा थोड़ा उजाला आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि विरमगाम और धागद्रा के बीच आपको यहाँ पे सनराइज होता दिखाई देगा। तो 3:00 हैं और ऑलरेडी हम 20 लेट है हमारे शेड्यूल से। तो अब हमें, हम तो 1:10 से ऊपर जर्नी करेंगे ही,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लेट है, अराउंड 20 मिनट लेट है, और नडियाद भी हम 20 मिनट प्लस लेट हो जाएंगे, उससे भी ज़्यादा, 20 मिनट से भी ज़्यादा। तो 120 की स्पीड लिमिट है, अपन नहीं कर सकते हम 120 पर नहीं करेंगे, 117 पे चलाएंगे अपनी ट्रेन को, इतनी स्पीड सही रहती है। और ये हमारी ट्रेन डाउनग्रेडियन जा रही है, क्योंकि टाइम पे तो चलना ही होगा, नहीं तो हमारा ये ट्रैफिक जो है वो मिस हो सकता है। और इस तरफ देखते हैं क्या है, तो इस तरफ भी बहुत ही बढ़िया ये सीनरी और झाड़ बहुत सारे लगाए हुए। तो ये हमारी स्पीड 119 तक छू गई, क्योंकि हम डाउन ग्रेडियंट पर जा रहे थे, पीछे हम SLR कोच देखते हैं, ये रहा हमारा SLR कोच। गार्ड साहब नहीं दिखाई दे रहे, अंदर बैठे होंगे। ये रहा बांद्रा भुज, ये भुज कच्छ एक्सप्रेस जो भुज को जाती है, बांद्रा भुज एक्सप्रेस बहुत ही बढ़िया ट्रेन, हाई प्रायोरिटी ट्रेन है। तो अब यहाँ पे अपने पैसेंजर व्यू में आ जाते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। बहुत देर हो गई, कोई स्टेशन नहीं आया, बहुत ही लंबा लंबा जो दो स्टेशनों के बीच में गैप रखा है, इतना गैप तो नहीं है रियल में। तो ये हमारी स्पीड 118 को छू गई है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और 18.8 किलोमीटर अभी भी लेफ्ट है, और कंजरी बोरिया स्टेशन को हम स्किप मारेंगे। और ये कंजरी बोरिया ही देखते हैं कैसा है, यहाँ पे कंजरी बोरिया स्टेशन कैसा बना है। तो बनाया हुआ है अच्छा खासा कंजरी स्टेशन, कंजरी बोरिया स्टेशन बनाया हुआ है, पर रियल फील वाला नहीं है जो मैंने रियल में देखा है, वैसा नहीं है। और ये प्लेटफॉर्म भी कंजरी बोरिया स्टेशन पर ऐसा नहीं है, तो रियल फील तो हमें खंडिस में ही आती है। बहुत ही बढ़िया रूट है, पर ये एक्टिविटी अभी खांडेस में अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें बना दी वेस्टर्न रेलवे वर्जन 2। पर रूट भी ये भी बढ़िया है, पर वो खांडेस में एकदम आपको रियल फील आती है, जैसे कि आपने जर्नी की होगी कोई ट्रेन में, तो आपने खिड़की किससे बाहर कोई स्टेशन को देखा होगा, वैसे ही वो खांडेस रूट में स्टेशन को बनाया जाता है। और पेवियर है दूसरी बात, तो रियल फील तो आनी ही है अगर आप वो पैसे देते हो रूट के, तो वो टोटली वर्थ है, आपके पैसे बेकार नहीं जाते, और उतनी खास प्राइस भी नहीं है खांडेस रूट की। पर फ्री में किसी को नहीं मिलेगा, ये भी बात मैं क्लियर कर देता हूँ, चाहे कोई भी हो, यूट्यूबर हो या कोई भी क्रिएटर हो, कोई को नहीं मिलता फ्री में। तो ये हमारी ट्रेन कर्व लेती हुई यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया कर्व, चीता WP4 सही नाम दिया है ये लोकोमोटिव को, चीते की तरह दौड़ रहा है ये WP4। हॉर्न तो क्या एकदम रियल रियल वाला हॉर्न है, ऐसा ही हॉर्न हमें सुनने को मिलता है WP4 में, और बहुत ही बढ़िया चीता। तो पैसेंजर व्यू में आ गए हम, अब ऑपोजिट लाइन का अभी भी सिग्नल रेड है, तो जर्नी को फटाफट से हम जाएंगे नडियाद जंक्शन की तरफ। नडियाद जंक्शन है, भले ये हमारे जो नेक्स्ट स्टेशन वाला विंडो है उसमें नहीं दिखाई दे रहा, पर नडियाद जंक्शन है मैं आपको बता दूं। और क्या बोलूं मैं आपको, मेरी होम सिटी भी है नडियाद, तो मुझे जितना पता होगा उतना शायद किसी को पता होगा नडियाद के बारे में, तो नडियाद मेरी होम सिटी भी है।
तो नडियाद जंक्शन है, भले ही हमारे ये नेक्स्ट स्टेशन वाली विंडो में ना दिखा दे रहा हो नडियाद जंक्शन, पर नडियाद जंक्शन है, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा नहीं कह सकते पर जंक्शन है। वहाँ से दो अलग लाइन जाती है, एक जाती है पिटला पादरण की तरफ और दूसरी जाती है मोड़ासा की तरफ। तो चलते अब अपनी नडियाद की तरफ। तो वहाँ पे भी हम 25 मिनट तक लेट हो जाएंगे, तो आई होप हम अहमदाबाद तो टाइम पे पहुँच जाए, क्योंकि हमें वहाँ पे आई थिंक लोको चेंज भी करना पड़ेगा हमारी ये कच्छ एक्सप्रेस का, ये WP4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये WP4 बहुत ही बढ़िया लोकोमोटिव। तो गेम को मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, बहुत देर हो चुकी है क्योंकि ओपन रेल्स काफ़ी क्रैश होने लगा है अब तो अब मुझे अपडेट भी करना पड़ेगा अपने ओपन रेल्स को। तो ये 1 किलोमीटर लेफ्ट, अभी भी नडियाद जंक्शन। तो टाइम तो हमें कवर करना ही पड़ेगा। और अहमदाबाद जंक्शन भी हमारा लोको चेंज होगा तो हमें अच्छा खासा टाइम 15 मिनट तो चाहिए ही होगी लोको चेंज करने के लिए। तो हमें कम से कम 3:50 तक तो अहमदाबाद जंक्शन पे पहुंचना ही है, उससे ज़्यादा लेट नहीं करवा सकते हम। अगर हम उससे ज़्यादा लेट करवा दिए तो हम क्या है कि और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे। तो 3:50 तक तो हमें पहुंचना ही है, क्योंकि हमें 15 मिनट तो लगेंगे ही लोको चेंज करने में, इलेक्ट्रिक टू डीजल लोकोमोटिव चेंज होगा आई थिंक हमारा अहमदाबाद जंक्शन पे, क्योंकि इसका रेगुलरली जो शेड्यूल्ड है वहाँ पे क्या है कि डेली इसका लोको चेंज होता है अहमदाबाद पे। तो चलो आज की जर्नी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।